क्रिएटिव स्क्रीन कट एडिटर आमतौर पर हम वीडियो की शुरुआत टाइटल के साथ करते हैं। आपके टाइटलिंग के काम को आसान और फास्ट करने के लिए 7.9 में नए फीचर दिए हैं। पहला फीचर है इंस्टेंट 2D एनिम टेक्स्ट और 3D टेक्स्ट इंसर्ट बटन। अब 2D एनिम टेक्स्ट और 3D टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए टूलबार में दो नए बटन दिए गए हैं। उन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली 2D एनिम टेक्स्ट और 3D टेक्स्ट टाइमलाइन पर डाल सकते हैं। दूसरा फीचर है राइट क्लिक मेन्यू ऑप्शन से ओपन रेस्पेक्टिव टाइटल मिक्स प्रोजेक्ट। अब आप टाइटल मिक्स प्रोजेक्ट टाइटल पेज पर राइट क्लिक करके ओपन टाइटल मिक्स प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके या टाइटल पेज पर कीबोर्ड पर कंट्रोल की दबाकर डबल क्लिक करके कर सकते हो। टाइटल मिक्स में आप टाइप करो और सेव कर दो, अपने आप स्क्रीन कट में पेज अपडेट हो जाएंगे। अब आपको टाइटल मिक्स में जाकर प्रोजेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं, सारा काम एप्लीकेशन अपने आप करता है। तीसरा फीचर है टाइटल मिक्स विद रेफरेंस बैकग्राउंड सपोर्ट। पहले हम टाइटल मिक्स में टाइप करते थे तो पता नहीं चलता था कि बैकग्राउंड पर कैसे दिखेगा। 7.9 में हमने रेफरेंस बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया है, जिससे आप हर पेज का रेफरेंस सेट कर सकते हैं। आपको जिस पेज का रेफरेंस सेट करना है उस पेज पर कर्सर लेकर जाइए और राइट क्लिक करके सेट टाइटल मिक्स रेफरेंस क्लिक कीजिए, जिससे आपका उस पेज के लिए रेफरेंस बैकग्राउंड सेट होगा। आपको सारे पेज का इस तरह रेफरेंस सेट करना होगा। अब टाइटल मिक्स के पेज पर कंट्रोल की प्रेस करके डबल क्लिक कीजिए, टाइटल मिक्स में टाइटल रेफरेंस बैकग्राउंड के साथ ओपन होगा। आप जैसे ही पेज चेंज करोगे तो उस पेज का रेफरेंस बैकग्राउंड लोड हो जाएगा। यह नई फीचर से आप मोंटाज में जाए बिना टाइटल प्रोजेक्ट इंपोर्ट करके सीन का टाइटल बना सकते हैं। पिन टैब में क्लिप रिप्लेस करने के दो नए ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप डायरेक्टली विंडोज एक्सप्लोरर से कंट्रोल की प्रेस करके वीडियो बिन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल बदल सकते हैं। यह ऑप्शन यूज करके आप एक साथ एक से ज्यादा फाइल बदल सकते हैं। अगर आपको बिन में तीन क्लिप रिप्लेस करनी है तो कंट्रोल प्रेस करके तीन क्लिप सिलेक्ट कीजिए, विंडोज एक्सप्लोरर में भी तीन क्लिप सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को प्रेस कीजिए, बिन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। इसी तरीके से आप एक्सप्लोरर टैब से भी क्लिप बदल सकते हैं। आपने जो वाइगर कवर कैप्चर डायलॉग से एक्सपोर्ट किए हैं उसको भी आप बिन पर कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिप्लेस कर सकते हो। यह ऑप्शन से पोएट्रेड सॉन्ग बनाना आसान हो जाता है। आपको पोएट्रेड सॉन्ग इम्पोर्ट करना है और वाइगर कवर को बिन पर कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। रोल और स्क्रॉल करने के लिए जनरेटर टैब में SFX में प्रीसेट दी गई है। आपको उसे टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइप करना है। प्रोजेक्ट को सिनेमा स्कोप में एक्सपोर्ट करने के लिए वीडियो फिल्टर में रेडीमेड प्रीसेट दी गई है। इसके लिए आपको टूलबार में कॉन्फ़िगर टाइमलाइन फिल्टर पर क्लिक करना है। कस्टम में जाकर सिनेमा स्कोप कैटेगरी से कोई भी प्रीसेट पर डबल क्लिक करके ऐड करना है। सिनेमा स्कोप में आपका वीडियो ऊपर या नीचे से कट हो सकता है। धन्यवाद।